بسم الله الرحمن الرحيم शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फ़रमाने वाला है लाखों करोड़ों दरुदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमन नबी जीन हैं जो खातमल मुरसलीन हैं जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है लाखों करोड़ों दरुदो सलाम हो अहले बैत पर अस्सलाम वालेकुम असल व वक् आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल अल्लाह वालों आज माह रमज़ानमबारक की जो फ़ीलतें हैं बरकते हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही मुजरब अमल सूरतर का आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ बहुत ही ताकतवर लेकिन बहुत ही आसान और छोटा सा सामल है अल्लाह अलावलो सूरतलकौसर कुरान मजीद फुरान हमीद की सबसे छोटी सूरत है ये सूरत जितनी ज़्यादा छोटी है इसकी ताकत और फजीलत उतनी ही ज़्यादा बड़ी है ये सूरत मुसलमानों के हर बच्चे बच्चे को ज़बानी याद होती है जी हाँ आज इसी सूरत की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूरत कौसर का ये बड़ा ही मुजरब और हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ अमल है अल्लाह वालों तीन दिन बिला नागा आपने इस वजीफे को करना है ये वजीफ़ा आपकी किस्मत का सितारा ऐसे चमका देगा कि आपकी सोच है मुकद्दर बदल जाएगा इस वजीफे को करने से आप अपनी हर मुराद हर हाजत को पूरा कर सकते हैं सूरत कौसर का वजीफा ख़ास करके मालो दौलत हासिल करने के लिए है फिर चाहे आपकी कोई भी हाजत हो कोई भी मुराद हो यह वजीफा करते ही तमाम मुरादे तमाम हाजतें आपकी पूरी हो जाएंगी आप इस अमल को दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए हासिदों के हसद से बचने के लिए मुनाफीन की शर से महफूज रहने के लिए अगर कोई परेशानी है आप किसी बंदे को कोई रकम उधार दे चुके हैं और वो वापस नहीं कर रहा तो आप उससे अपनी रकम वापस लेने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं इस अमल को करते ही अल्लाह रब्ल की पनाह में आ जाएंगे मेरे ऐसे बहन भाई जो अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं नेक और सौलह रिश्तों के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं कोई भी ऐसी हाजत कोई भी ऐसी मुराद कोई भी ऐसी बात जो आपकी पूरी नहीं हो रही इस अमल को करते ही तमाम रुकावटें तमाम रुके हुए काम बनने लगेंगे रुकावटें खत्म हो जाएंगी बंदिशें टूट जाएंगी, दुआओं की कबूलियत के लिए हाजत की कबूलियत के लिए भी ये वजीफ़ा मुजरब और ख़ास अमल माना जाता है कारोबार में तरक्की के लिए भी ये वजीफ़ा असरदार है जिन मेरे भाइयों के कारोबार में बेबरकती है चलता हुआ कारोबार बंद हो गया है गाहक नहीं आते दुकान पर तो ये वजीफ़ा आज उनके लिए तोहफे से कम नहीं है अलौसर कौसर का ये वजीफ़ा उन अमलियात में से है जो फकीर को बादशाह बना देता है और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखता है वो भी तीन दिन के अंदर अंदर तो अगर आप कोई आपकी भी कोई हाजत है या कोई मकसद है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं तो इस अमल को एक बार ज़रूर आज़मा लें अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीक़े की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और वजीफ़े को अच्छी तरीके से समझ लें इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके साथ बीत रही होती हैं और आपको उन मसले मसाइल का हल चाहिए होता है अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी मसले का हल इस वीडियो में मौजूद हो तो इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी वालों सूरत कौसर की जो फ़जीलत है जो बरकतें हैं कौन नहीं जानता सबको पता है कि ये सूरत हजूर करीम सरकार दुआलम हबीब ख़ुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसम के लिए उतारी गई थी वो भी उस वक्त जब हजूर करीम अलैहि वसलम का जवान बेटा वफ़ात पा गया इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया था उस वक्त आप बहुत रंजीदा और उदास और गमगीन हो गए थे लेकिन मुशर्कन ने इस मौके का फायदा उठाया और आपको अब तर बोलना शुरू कर दिया अबतर का मतलब है यानी जिसका कोई बेटा नहीं है जिसका औलाद नरीना नहीं है जिसके पास जिसके बाद हजूर करीम बेहद गमगीन रहने लगे तो फिर अल्लाह रब्ज़त ने आपको तसली देने के लिए सूरत अलकौसर को नाजल फ़रमाया इस सूरत में अल्लाह रबुज़त ने फरमाया जो आपको अबतर बोलते हैं वो खुद अबतर हैं और जो कहते हैं कि आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है असल में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है वो बेना हो जाएंगे और आपका नाम क़्यामत तक चलता रहेगा और क़ियामत वाले दिन अल्लाह इज़्ज़त की जानिब से हजूर करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा जिसके पानी से नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम के उम्मती सैराब होंगे उस पानी को पियेंगे और बख्शे जाएंगे ये वही चश्मा है जिसको हौज़े कोसर का नाम दिया गया है अल्लाह वालों अब आते हैं अमल की तरफ आपने करना क्या है ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ तीन दिन करना है अगर इस रमज़ान के तीन दिन में इस वजीफे को कर लेते हैं तो रमज़ान की फजीलतों बरकतों से हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन इस सूरत का भी हम फ़ायदा उठाते उठाते हमने इस वजीफे के असर को दुगना कर देना है और इससे बेहतरीन और जल्दी नतज आपको मिलेंगे आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने तवक्ल मजबूत रखना है अल्लाह इज़्ज़त पर अल्लाह वालों कोई भी अमल कोई भी वजीफ़ा हो उस वक़्त तक हंड्रेड परसेंट रिजल्ट देता है जब आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अक्दस पर तवक्कल मज़बूत होता है और उसके बाद आपने पाक साफ हालत में पाक साफ जगह पर बैठना है याद रहे कि आपने नापाकी की हालत में इस अमल को हरगिज़ नहीं करना रमज़ान में ही करना है ये नहीं है कि आपने इसको रमज़ान में करना है बल्कि आप पूरा साल किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं आपने सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मसल्ले पर ही बैठ जाना है और अपने मकसद की नीयत कर लेनी है अल्लाव फिर आपने ग्यारह बार द्रुद शरीफ पढ़ना है यानी कि बरकतों वाले महीने में आपने बरकतों वाला दरूद पढ़ना है दरूद इब्राहिम पढ़ना है ये इस वजीफ़े की शर्त है कि आपने दरूद इब्राहिम ही पढ़ना है है। उसके बाद आपने सूरतुल कोसर को बिस्मिल्लामान रहीम इकैना कल कौसर फसल का वनहर इन शानिया काब तर आपने कौसर को ग्यारह बार पढ़ना है ग्यारह बार ही आपने दरूद पाक पढ़ना है और ग्यारह बार ही आपने कौसर को पढ़ना है जब आप कौसर को पढ़ रहे हों तो अपने मकसद का ख्याल जहन में रखें और आखिर में ग्यारह बार दरुद इब्राहिम पढ़ना है और हजूर करीम को हदिया करना है ये अमल मुकम्मल हो गया अब आपने इसी तरह ज़हर की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर ग्यारह ग्यारह बार दरूद इब्राहिम और ग्यारह बार सूरत कौसर को पढ़ना Yeah. <laughs> इसी तरह ये अमल रात को इशा के बाद भी आपने कर लेना है यानी कि तीन दिन ये अमल आपने करना है और तीन दिन में ये नौ बार हो जाएगा इसी तरह तीन दिन में निन्यानवे बार यानी कि नाइनटी नाइन बार कौसर पढ़ी जाएगी ग्यारह ग्यारह बार द्रूद पाक को पढ़ना है और ग्यारह बार ही कौसर को पढ़ना है और अपने मकसद को जहन में रखना है उसके बाद आपने हाथ उठाने हैं दुआ के लिए आँखों को बंद कर लेना है है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर आपने ऐसे पेश हो जाना है जैसे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं आपने अपने रिजक के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप खोल देंगे इनशा तप आपके बिगड़े हुए तमाम काम सवरने लगेंगे घर से बेबरकती और बेसकूनी ख़त्म हो जाएगी और अगर घर में कोई बीमार है उसे भी अल्लाह इज़्ज़त शिफाए का अमला आज लाता फ़रमाएंगे तो अल्लाह वालों एक बार इस अमल को आपने ज़रूर और ज़रूर आजमाना है और अगर आप ये तीन अमल पाबंदी के साथ करते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ जिस बंदे की ज़िंदगी का रोज़ का ये तीन अमल मामूल है उस पर कोई भी वजीफ़ा कोई भी आप अमल करते हैं या वजीफ़ा करते हैं ऐसे असर करता है जैसे कमान में से निकला हुआ तीर लगता है इंसान को जाके वो तीन अमल कौन से हैं सब से पहले आप पाँच वक़्त के नमाजी हों अलो नमाज तो वैसे भी हमने पढ़नी है हम पर फ़र्ज है आप पाँच वक़्त के नमाजी हों हर दूसरा अमल हर टाइम वजू में रहते हों और रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद खोलते हों चाहे आप एक लाइन ही क्यों ना पढ़ें एक रुकू क्यों ना पढ़ें लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को खोलते हों और तीसरा अमल जो सबसे अहम है अगर वो अमल आप करते हैं तो फिर आप समझें कि आप कोई भी वजीफ़ा आंखें बंद करके कर लें इन शह तज़ीज़ उसका हंड्रेड परसेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो तीसरा अमल क्या है आपकी निगाहें पाक हों आपकी तनहयाँ पाक हों अल्लाह रब्ज़्ज़्ज़त आपको देख रहा है लोग आपको नहीं देख रहे आपके दिल में बस यही बात हो कोई भी गुनाह करने से पहले कोई भी बदनजरी करने से पहले आपके दिल में अगर ये बात आ जाए कि अल्लाह रबुल्ज़त तो देख रहा है तो यकीन करें कि के, के तमाम से, तमाम गुनाहों से बच जाएंगे तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि आप ये तीन अमल अपना लें अगर मेरे कहने पर मेरी वीडियो देख कर कोई एक बंदा भी इस अमल को अपना लेता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है अल्लाह वालो कोशिश करें कि पाँच वक्त की नमाजा कम से कम पबंदी के साथ अदा करें और दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरा नाम भी लें हो सकता है आपके मुंह से निकला हुआ कोई एक लफ्ज़ मेरे लिए भी जन्नत में कोई मकाम उताव मुझे भी मिल जाए वाखिर दमाना अलहमद रबीआलमीन